नमस्कार सशीष। तो आज की जो हमारी वीडियो है अगेन ऑन कंपोनेंट। हमारे कार ऑडियो में कंपोनेंट्स की तो धूम मची है और हज़ारों तरह के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स आ रहे हैं मार्केट में। हमारा जो पास्ट कंपोनेंट जिसके हम वीडियो डाल भी चुके हैं, ज़बरदस्त धूम भी मचा रखी है। जैसे हमारा लास्ट मुरैल का ज़बरदस्त चल रहा है, खूब बिक रहा है, खूब लोग पसंद कर रहे हैं, हर एक बंदे को पसंद आ रहा है। तो वो जो हमारा 90 वाट RMS तक का कंपोनेंट है, अभी तक जो हमने अपनी वीडियो में अभी तक हमने कोई भी अपने चैनल पे 100 RMS के कंपोनेंट की कोई भी वीडियो नहीं डाली। खैर 90 RMS तक हम काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं, 40 to 90 RMS में। तो 100 RMS में अभी कन्फ्यूजन थी कौन सा दे, कोई अच्छा स्पीकर तो उसकी रेंज काफ़ी ऊंची हो जाती है, जिसमें थोड़ा सा कस्टमर के बजट रेंज से बाहर चला जाता है। उस रेंज में फिर कस्टमर कहता है हम वूफर ही लगा लेंगे, सिर्फ हमने स्पीकर्स के लिए इतने पैसे को खर्च करने। तो आज जो है हम जो अपने कंपोनेंट की वीडियो डालने जा रहे हैं 100 वाट RMS का, बहुत स्पेशल कंपोनेंट है, बहुत रीजनेबल प्राइस का कंपोनेंट, जिसकी क्वालिटी, जिसकी आउटपुट एक नंबर आउटपुट है। तो देखिए ये है हमारा आज की वीडियो का हीरो, जो हमारा आज का कंपोनेंट हेलिक्स ब्रांड, काफ़ी पुराना ब्रांड है, थोड़ा सा मार्केट में कम चलता था कि जो है लिमिटेड इसके डीलर्स होते थे काफ़ी थोड़े टाइम पहले तक, तो थोड़ा सा लिमिटेड आता था, लिमिटेड डीलर्स के पास माल आता था, तो इतना नोन टू ब्रांड नहीं है। बट जो कार ऑडियो की डीप नॉलेज रखते हैं उनको जरूर इस ब्रांड के बारे में पता होगा। तो अब जो है फुल फ्लैश तरीके से ब्रांड मार्केट में आ चुका है। अब इस ब्रांड की खास बात बताऊँ, इस ब्रांड में क्या क्या खास है। एक तो हेलिक्स ब्रांड तो बहुत बढ़िया है ही, काफ़ी इसके अच्छे अच्छे काफ़ी हैवी रेंज के प्रोडक्ट्स आते हैं। अब इसमें जो है हमारा जो ये ब्रांड है जो जर्मन ब्रांड है और जेन्युइनली जो है इसमें देखिए मैन्युफैक्चर लिखा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय जो जर्मन की कंपनी है, जेन्युइनली मेड इन जर्मन एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन भी प्रॉपर जर्मनी है। कोई चाइना, कोई उसका कोई मतलब एक होता ना कि चलो ब्रांड तो है, कोई USA का ब्रांड है, कोई फला जगह ब्रांड है, जो कंट्री ऑफ रीजन जो है मैक्सिमम हमारे 99% प्रोडक्ट्स का जो होता है चाइना ही होता है। बट दिस इज़ अ ओनली ब्रांड जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन भी जो है जर्मन है और मैन्युफैक्चर्ड बाय भी प्रॉपर जर्मन कंपनी है। तो सबसे पहली खास बात ये होगी प्रॉपर मेड इन जर्मन प्रोडक्ट है, इंपोर्ट भी जर्मन से हो रहा है, मैन्युफैक्चर जर्मन में हो रहा है। दूसरी इस प्रोडक्ट की खास बात है कि 100 RMS का कंपोनेंट है, 100 RMS का बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत रीजनेबल रेंज का कंपोनेंट है। देखिए मैंने स्पीकर ये बाहर भी निकाल के रखे हैं, देखिए इसका क्रॉसओवर देख सकते हैं। नॉर्मली इतने हैवी क्रॉसओवर किसी बहुत रेयर स्पीकर्स ही होते हैं, जिनके आते हैं जो आते हुए तो काफ़ी हैवी है, काफ़ी हाई रेंज के स्पीकर्स होते हैं। ये देखिए क्रॉसओवर आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना बेहतरीन और कितना हैवी क्वालिटी में क्रॉसओवर है। ये हमारा इसका जो है हेलिक्स का जो कंपोनेंट है क्रॉसओवर हो गया, ये स्पीकर हो गया। ये देखिए स्पीकर की क्वालिटी अपना बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन फिनिश का स्पीकर है। ये 100 RMS इसके ऊपर मेंशन है, 100 वाट to 200 वाट RMS, मतलब एक स्पीकर की जो है 100 वाट RMS है। ये इसका ट्यूटर है, ट्यूटर भी बहुत शानदार क्वालिटी का, ये देखिए। तो ये जो है हमारा 100 RMS का जर्मन क्वालिटी का मेड इन जर्मनी जो है कंपोनेंट स्पीकर। और इस स्पीकर की एक तो जैसे मैंने बाकी तो बता दिया, इसकी प्राइस है ये बहुत रीजनेबल है। जो हमारा जो ये स्पीकर है जो अंडर द प्राइस टैग रेंज 7500 के बजट में हमारे कंपोनेंट स्पीकर है, और 7500 रेंज में जो है इसके इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज, जो हमारी फिटिंग एसेसरीज की जरूरत होती है, जैसे हमारा स्पीकर कपलर हो गया और जो हमारा स्पीकर रिंग हो गया वो भी हमारे इसके साथ इंक्लूड है। मेरे हिसाब से मार्केट में 100 RMS में इतनी रीजनेबल रेंज, इतनी किफ़ायती रेंज में कोई भी स्पीकर नहीं है। और हैं भी तो कई स्पीकर होते हैं, कई सारे ब्रांड हैं जो लिख कुछ भी देते हैं और होते कुछ हैं, बट जैसे मैंने बताया ब्रांड इमेज के हिसाब से इस पर जो लिखा है 100% वही प्रॉपर एग्जैक्ट जो है इसकी वॉटेज और एग्जैक्ट RMS जो लिखी हुई है हमारा जो है हेलिक्स कंपनी का। हमने यहाँ डेमो में इसमें जो है अभी तो खैर इसके कंपोनेंट तो मैंने बताया, इसके कोएक्सियल भी आते हैं, तो हमने यहाँ डेमो में कोएक्सियल भी आपको जो है साउंड चेक कराने के लिए लगा रखा है। कंपोनेंट की थोड़ी सी क्रॉसओवर के कनेक्शन ज़्यादा होते हैं तो इतना थोड़ा सा पता नहीं चल पाता। तो वो खैर जो हमारा जो कोएक्सियल स्पीकर है वो 80 वाट RMS का है, तो कोएक्सियल स्पीकर की आउटपुट से ही आपको कंपोनेंट के भी पता चल जाएगा। बट ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी गुड कंपोनेंट, इसकी जो मिड बेस है बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की है, और जो शार्पनेस क्वालिटी तो खैर है ही बढ़िया। तो अब ज़्यादा बोलना कि मैं एक बार आपको यहाँ पर जो अपने डेमो में जो अपने यहाँ पर हेलिक्स के ही है, देखिए ये हमने यहाँ पर इसके जो हैं कोएक्सियल स्पीकर लगा रखे हैं। इसका ट्यूटर देखिए कितना शानदार ट्यूटर है, कितना बेहतरीन क्वालिटी का, ये मैं अभी आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। तो देखिए हमने हेलिक्स का भी कोएक्सियल स्पीकर लगा रखा है, शार्पनेस ट्यूटर की शार्पनेस, क्रिस्पीनेस, क्वालिटी, बेस अभी आपको दिखा, बेस भी अपना फर्स्ट क्लास में बहुत बड़े। ये सिर्फ दो स्पीकर्स हमने लगा रखे हैं डेमो में, कोई यानी वूफर नहीं, कोई एम्पलीफायर नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल से बेसिक स्टीरियो के साथ देख सकते हैं।
ये हमारे कोएक्सियल स्पीकर 80 वाट आरएमएस में, जो इनकी कॉस्टिंग हमारी 5500 की रेंज में है, कोएक्सियल स्पीकर्स। अब इन स्पीकर्स की जब खास बात तो है ही, ये तो 100 आरएमएस में है, बट बाकी ज़रूरी नहीं है इसके साथ एम्पलीफायर लगाए, जो ठीक है, जो अपने स्टॉक स्पीकर चेंज करके जो अपना कंपोनेंट का शौकीन है, कंपोनेंट आगे कंपोनेंट पीछे कोएक्सियल, हमारा चलन तो खैर यही चल रहा है ज़्यादातर, आगे कंपोनेंट और पीछे कोएक्सियल, चार कंपोनेंट की खैर जरूरत भी नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शार्पनेस, बहुत ज़्यादा साउंड वो नहीं चाहिए, तो नॉर्मल हम आगे कंपोनेंट पीछे कोएक्सियल रिकमेंड करते हैं। तो ये जो आप आगे इसका कंपोनेंट पीछे कोएक्सियल, कोई भी अच्छा स्टॉक स्टीरियो जिसकी आउटपुट थोड़ी सी अच्छी हो, या एंड्रॉयड आजकल जैसे मार्केट में बहुत चल रहे हैं, एंड्रॉयड मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट T3L प्रोसेसर, जैसे T3L या T3L प्रोसेसर से ऊपर का प्रोसेसर चूज़ करिए, तो उसमें जो है स्टीरियो की जो आउटपुट, मतलब इन स्पीकर्स की अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। जैसे हमारा T3L प्रोसेसर हो गया, T5 प्रोसेसर आजकल बहुत चल रहा है, 8 कोर प्रोसेसर, 4 कोर प्रोसेसर, इनके साथ रिकमेंडेबल है। इनके साथ आप विदाउट एम्प इसको लगा सकते हैं, प्लस विदाउट एम्प तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ही, इसकी मिड बेस काफ़ी अच्छी लेवल की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्लस जो आप एम्प लगा लेंगे तो एम्प से तो फिर रहेगा कि सोने पे सुहागा तो हो ही जाएगा, क्योंकि स्पीकर की आरएमएस 100 है, एम्प लगने के बाद भी इसकी जो है बेस, इसकी हर एक वॉल्यूम जो पूरी कंट्रोल में रहेगी। तो आगे आप ये कंपोनेंट पीछे को एक्सल, चाहे विदाउट एम्प चाहे विद एम्प, प्लस एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, स्पीकर चाहे हेलिक्स का कोई भी स्पीकर हो, मैं रिकमेंड करूँगा एक डैम्पिंग आजकल हमारी काफ़ी चल रही है, डैम्पिंग से जो है स्पीकर की, हमारे जो बेसिक से बेसिक स्पीकर भी होता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। तो जो म्यूज़िक लवर हैं, जो ठीक है, जिनको थोड़ी सी म्यूज़िक की डीप अपना नॉलेज रखते हैं, जो एक एक नोट की वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी आप स्पीकर लगे, चाहे वो हेलिक्स कोई भी हो, एटलीस्ट सिंगल ए डैम्पिंग तो जरूर करिए, डबल ए डैम्पिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और सिंगल ए डैम्पिंग के साथ अगर स्पीकर में एक मिड बेस का मज़ा लेना है, तो आप एक सिंगल ए डैम्पिंग जरूर कराइए, डुअल लेयर भी बेटर रहेगी, बट सिंगल लेयर तो एटलीस्ट मिनिमम कराइए। तो जैसे मैंने बताया, अपना विद एम्प और विदाउट एम्प दोनों में ही स्पीकर की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन आएगी। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मली हम स्पीकर्स की प्राइसिंग वगैरह भी बताते हैं, पर कई जैसे लोग होते हैं, कई शॉपकीपर्स होते हैं, जैसे वीडियो देख के स्पीकर्स के प्राइसिंग कम कर देते हैं। तो जो हमारे, मैं एक चीज़ और हर कस्टमर को बताना चाहूँगा, जो कंपनी जो जब भी अपना कोई डीलर अपॉइंट करती है, हर एरिया में एक डीलर होता है, तो आजकल जो है मार्केट में जो हमारे कार ऑडियो में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में चले जाओ, हमारी कार ऑडियो इंडस्ट्री में ग्रे मार्केट में भी बहुत सारे आइटम्स मिलती है। तो मैं हर कस्टमर को ये बताना चाहूँगा कि अपने स्पीकर या कुछ भी एक चीज़ खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट के डीलर के बारे में जरूर जानकारी लीजिए, उससे विद GST बिल लीजिए परचेज़ करने के बाद, ताकि आपको कल को गारंटी में दिक्कत ना आए। एक प्रोडक्ट ग्रे मार्केट में सस्ता मिल तो जाता है, ट्रेडिंग बहुत होती है, बट उसमें गारंटी वारंटी में कल को आपको किसी भी चीज़ में, कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी कोई गारंटी नहीं, उसका गारंटी नहीं देती, क्योंकि अगर आपने जब तक उस प्रोडक्ट को आप ऑथराइज डीलर से विद बिल, विद GST बिल परचेज नहीं करेंगे, तो कोई भी कंपनी जो है वारंटी नहीं कमिट करेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कहीं भी प्रोडक्ट परचेज करने पहले उससे डीलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की इंफॉर्मेशन लीजिए, प्लस GST वाला बिल जरूर लीजिए। हमारे इस कार ऑडियो में हर एक प्रोडक्ट की आपको स्पीकर की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी, बस बशर्ते उसका आपका वारंटी कार्ड एंड जो है प्रॉपर जो है GST पेड बिल साथ में होना चाहिए। तो दोस्तों यही है हमारा आज की वीडियो का हीरो हेलिक्स, जरूर करूँगा एक बार ट्राई करिए, 3-4 महीने से हम बेच रहे हैं इसको, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 100 आरएमएस का कोई भी अच्छी क्वालिटी का स्पीकर मार्केट में इस रेंज में नहीं है, जो मैं ये बता रहा हूँ आपको हेलिक्स का अंडर द बजट रेंज हो 7500। तो ये हमारी आज की वीडियो का हीरो हेलिक्स जर्मन कार हार हाईफाई ऑडियो सिस्टम एंड कंपोनेंट्स एंड कोएक्सियल। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में अपने नए प्रोडक्ट के साथ। गुड बाय दोस्तों।